हमारे जो लोजपा ऐसे तो एनडीए का शानदार जीत रहा, और जो हम कल लोग कहते थे आप लोग तो हमको तो लोग कहते हैं भविष्यवक्ता हैं या कौन मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन हम जो कहते हैं वही होता है। आपको याद है कि जब यहाँ सरकार बनी थी नीतीश जी का और कह रहे थे कि महागठबंधन के साथ में, उस समय जब हमने कहा था कि ये सरकार 2 साल 2.5 साल चलने वाली नहीं है तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ था नमन ने, और अंत में क्या कहते हैं कि हुआ वही। यहाँ भी हम लोग हमेशा कहते थे कि क्या कहते हैं कि जो है जब भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जो है जीतेंगे, एक आध दो हम लोग ने कहा कि हम ग्रेस देंगे, एक कुर्सी लगा दीजिए ना उधर, क्या कहते हैं कि सूर्यजमान जी बैठेंगे, है ना, वहाँ लगाइए, है ना, हम तो जान बुझ के 6 ही लगाए थे। हाँ हाँ ठीक है, तो इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं तो अपना दिनेश बाबू हैं तो इसलिए हमने कहा था 40 सीट जीतेंगे, 39 सीट क्या कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि जीते, और पूरे देश में भी हमने कहा था एग्जिट पोल के बाद कहा था, वहाँ भी दिल्ली में एनडीए की जब बैठक हुई थी उस एनडीए की बैठक के बाद जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा और राजनाथ सिंह जी का था जो आपने सुना होगा, उसमें भी हमने साफ तौर से कहा था कि एग्जिट पोल जो आया है उससे कम नहीं आएगा, हम उससे क्या कहते हैं कि जो कुछ एक एग्जिट पोल में 300 था सभा 325 था कुछ, हमने कहा उसे एक्सीड करेंगे और वही हुआ, और इसका जो पूरा का पूरा श्रेय जो है जो हमारे नेता हैं एनडीए के नेता हैं और जिनका काम पिछली बार नाम बोलता था सिर्फ 2014 में, इस बार नाम और काम दोनों जगह थे जिनका बोला, और जो करंट चला हमने कहा था जब हम लोग कहते थे सुनामी होगा सुनामी होगा, तो कुछ लोग कहते थे पासवान जी क्यों ऐसा कहते रहते हैं, अरे कहते ना कि मेजोरिटी आ जाएगी जीत जाएंगे, ये सुनामी सुनामी क्या रटे रहते हैं, और फिर जिस तरीके से सारे के सारे लोग कर रहे थे तो वो क्या कहते हैं कि, और फिर बिहार में जिस तरीके का हुआ तो इसलिए क्या कहते हैं कि आज जो है हमारा 6 में पूरे देश में तो आया ही है, और लोजपा ने 6 सीट चुनाव क्या कहते हैं कि जो है 6 सीट पर चुनाव क्या कहते हैं कि लड़ा था, और वो 6 सीट में क्या कहते हैं कि जो है हम लोगों ने क्या कहते हैं कि जो है जो लड़े, और 6 में से 6 सीट हम लोग क्या कहते हैं कि जीते, और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा मार्जिन रहा है और वो भी क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा है, उधर हम सबसे उधर किनारे में महबूब अली कैसर जी हैं माइनॉरिटी के, हमको पता नहीं इस बार और माइनॉरिटी के कैसे आया है, एनडीए में कि नहीं आया, क्या भी अकेले आए हैं तो एक और क्या हाँ आया होगा एनडीए में पता नहीं, हम पथरली तरीके से नहीं लेकिन पिछली बार अकेले थे हाँ, और इस बार भी क्या कहते हैं कि हम लोगों ने इनको यह दिया, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, लोग बहुत लोग कहते हैं कि भाजपा है तो मुस्लिम विरोधी है तो ये है वो है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता जिस तरीके से जो है चाहे बीजेपी का हो या जनता दल यू का हो लोजपा के तो थे ही, तो सब लोगों ने जिस तरीके से जो है जी जान लगा करके काम किया, और उसका नतीजा हुआ कि इनके खिलाफ में वो अपने को सन ऑफ मल्ला कहते हैं, है ना, तो वही जाकर के चुनाव क्या कहते हैं कि लड़े थे, और ये जो है इनका जो मार्जिन जो है वो रहा है 2,48,570, है ना, तो वहाँ से क्या कहते हैं कि जीत करके क्या कहते हैं कि आए हैं, और हम पहले सबसे उनका क्या कहते हैं कि जो है स्वागत करते हैं, और जो है अपने जितने हमारे एनडीए पार्टी के प्रेसिडेंट के हैसियत से हम जो है सॉल दे करके जो है अपने सब सांसदों का स्वागत कर रहे हैं। चलिए ताली बजाने का तो नहीं बजाइएगा, ठीक है चलिए, उसके बाद माइक ये, उसके बाद जो है वैशाली आता है जहाँ से अपने को सबसे बड़े क्रांतिकारी वहाँ नेता समझते थे,
और डिक्टेट करते थे और सबसे पहलवान हमेशा मांगते थे समझने के, तो उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है वैशाली से जो है हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने रामा सिंह को दिया था और उन्होंने रामा हम लोगों ने हराया था पिछली बार भी। लेकिन कभी कभी बहुत आदमी घमंड हो जाता है कि पार्टी हमारे ही बल पर चलती है और उसके बाद जो है लगे नौटंकी करने, है ना। तो जो जैसा करता है वैसा पाता है। हम तो कभी किसी को हटाते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं। सारी ताकत उन लोगों ने लगा दिया था हाजीपुर में और वैशाली में, रामा सिंह वगैरह ने, है ना, जमुई में हाँ, पांच आदमी का टुकड़ी था। वो मीडिया को भी मिसगाइड करता था, अपने मीडिया वाले लोग भी बहस हमसे करते थे, अरे वहाँ तो जमुई में तो ये रिपोर्ट आ रहा है, वहाँ तो ये रिपोर्ट आ रहा है रामचंद्र के खिलाफ में, समस्तीपुर से तो ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, समझा है, हाँ वही खिलाफ में। इसलिए जो है तो सबको ध्वस्त करके अब इन लोगों का पॉलिटिकल करियर ही समाप्त हो गया है। तो वहाँ से क्या कहते हैं कि हम लोगों को खुशी है कि बीना देवी जी हैं और हम लोगों ने इन पर विश्वास किया, इनको हम लोगों ने क्या कहते हैं कि वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया। बहुत ही सज्जन सुसभ्य और बिल्कुल क्या कहते हैं कि हमको इतना हमको खुशी है कम से कम अपने टीम के ऊपर में, जिसको हम कह नहीं सकते हैं। और यहाँ से क्या कहते हैं कि ये लड़े और 2,34,584 वोट से जो है ये जीत क्या कहते हैं कि इन्होंने हासिल किया है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद।